हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ अनुकास्ट 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबीवीएस टैबलेट के बारे में। ये रही एबीवीएस टैबलेट, इसके क्या यूज़ होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसके प्राइस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद ही आपको कुछ अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हम बल्लूकास्ट फॉर यू, एंड अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें साल्ट कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें साल्ट है, नंबर वन वो है एसीब्रोफाइलिन और नंबर टू है एसिटल सस्टेन। तो इसका जो बेसिकली यूज है फ्रेंड्स, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है मतलब अस्थमा में। नंबर वन इसका बेसिकली यूज है अस्थमा में, और नंबर टू इसका यूज है फ्रेंड, दूसरा यूज है इसका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो मतलब एक फ्रेंड्स, ये फेफड़ों का एक प्रकार का विकार है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का विकार है फ्रेंड्स, जो कि फेफड़ों में होता है। उस बीमारी को इसका यूज़ कर, मतलब उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उस मतलब इस बीमारी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी फेफड़ों की जो नली होती है, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, तो फेफड़ों में हवा के प्रवाह में अवरुद्ध हो जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, जो हवा जाती है फेफड़ों में, तो जो इसका प्रवाह जाता है हमारी नाक द्वारा, तो उसमें अवरुद्ध हो जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको भी ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। और नंबर थ्री मतलब और यूज़ है इसका, एक और यूज़ है वो है फ्रेंड्स खांसी में। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, फिर गड़गड़ाहट हो रही है, गड़गड़ाहट वाली खांसी हो रही है, तो उस टाइम पर भी इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। और रिजल्ट बहुत वीआईपी मिलता है फ्रेंड्स, बहुत ही वीआईपी। और फ्रेंड्स इसका एक और यूज़ है, बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट हो रही है तो उस टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और यूज़ है, मतलब सांस लेने में तकलीफ, मतलब कभी कभी क्या होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब सांस उखड़ रही है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, अस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो रिज़ल्ट मिलता है बहुत वीआईपी मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक इथिकल कंपनी है, जो कि एक लाइफस्टाइल द्वारा मतलब कंपनी द्वारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया गया, तो रिज़ल्ट इसका बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो बाकी जो सब मतलब इसका यूज़ होता है, वो सांस में दिक्कत देने, मतलब जो सांस में दिक्कत होती है इसके लिए किया जाता है। और बाद में इसको मतलब जो नालिकाएं होती हैं उनको, मतलब जो संकुचन हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा मतलब फैलाव करती हैं, जिससे सांस लेने में आसानी मिले पेशेंट को, तो आसानी बहुत अच्छे से मिलती है पेशेंट को सांस लेने में, जब इसको टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो इसके कुछ बेसिकली यूज़ थे। अब बात करते हैं इसके डोसेज फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स इसकी टैबलेट की बीवीडी जो दी जाती है, मतलब सुबह शाम आप एक टैबलेट सुबह ले सकते हैं, एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। तो ये तो इसकी डोज थी। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे स्किन एलर्जी, स्किन ईचिंग वगैरह, स्किन रैसेस वगैरह, और स्टमक डिसऑर्डर, डायरिया, वोमिटिंग। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना लाएं। हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू फ्रेंड्स। तो ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके जो प्राइस हैं वो लगभग 170 के करीब, मतलब 170 रुपये में आपको 10 टैबलेट मिलेंगी। थोड़ी कॉस्टली है फ्रेंड्स, मतलब महंगी टैबलेट है, तो जो इसका प्राइस है फ्रेंड्स वो थोड़ा महंगा है। 170 रुपये करीब एक टैबलेट दी जाती है, तो लगभग 70 रुपये की एक टैबलेट हो गई, 17 की। तो आप किसी मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं एबीवीएस के नाम से। वैसे ही डॉक्टर की प्रिस्क्राइब वाली मेडिसिन है, इसे आप खुद भी नहीं ले सकते हैं फ्रेंड्स। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तभी आपने अपने आप से तो बिल्कुल भी ना लें फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो आपको फ़ायदा करती है वो आपको नुकसान भी करती है। तो उसके जो डिसऑर्डर वगैरह आपको सही से नहीं पता होंगे, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, मतलब पूछें, डॉक्टर से पूछें उसके बाद ही लें, बिना कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन ना लें फ्रेंड्स। आई एम बेस्ट फॉर यू। तो ये इसके यूज़ थे, इसके प्राइस, साइड इफेक्ट और डोसेज फॉर्म थे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ अपने इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करना। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आज तक आए हैं और आगे भी बढ़ेंगे, तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई आल डियर फ्रेंड्स।